भारतीय रोटी बैंक के तत्वावधान में 10वां शीतकालीन उत्सव संपन्न। लगभग 800 जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में भारतीय रोटी बैंक महोबा का 10वां शीतकालीन उत्सव पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा में संपन्न हुआ। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के तौर पर प्रभा तिवारी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर जनपद रेड क्रॉस सोसाइटी महोबा के चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक सक्सेना उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके की गई। उस अवसर पर मुट्ठन चर्चा के साथ रोटी बैंक की शुरुआत करने वाले स्वर्गीय नारायण तिवारी के चित्र पर सभी आगंतुकों ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। रोटी बैंक के शीतकालीन उत्सव में आए सभी अतिथियों ने दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों की मदद करने वाले रोटी बैंक के संस्थापक हाजी मुट्ठन चाचा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया और उक्त मौके पर नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ अधिवक्ता, शिक्षक व रोटी बैंक से जुड़े हुए अनेक लोग उपस्थित रहे। अंत में रोटी बैंक के संस्थापक हाजी मुट्ठन चाचा ने सभी का आभार भी व्यक्त किया है। रोटी बैंक के संस्थापक मुट्ठन चाचा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुझे यहाँ बुलाया। रोटी बैंक जिले 10 वर्षों से ये कम्बल बांटने का कार्यक्रम शीतकालीन उत्सव के द्वारा आयोजित करती आ रही है और विगत कई वर्षों से देश ही नहीं विदेशों में भी रोटी बैंक भूखों को भोजन उपलब्ध करा रही है। इसलिए इनके इस नेक कार्य के लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं तथा इनको कहना चाहता हूं कि रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा इनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। धन्यवाद। फिलहाल की खबर में इतना ही। आगे खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। खास खबर बुंदेलखंड 24/7 के संवाददाता महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहे हैं सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।